राज ग्रह पर हमला, ये जो आप नीचे पिक्चर्स देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये लेटेस्ट हैं जो वायरल हो रही हैं राजग्रह पर हमले की। बेसिकली राजग्रह है क्या? राजग्रह या राजगृह या आज के समय राजगीर, वो फेमस जगह है जो बिहार के अंदर है, जहां भगवान बुद्ध रहते थे और जहां पर चक्रमण करते थे। पूरी दुनिया में वो राजगृह, राजगीर या राजग्रह, तीन नाम इसके हैं, उसके नाम से ये फेमस है, प्रसिद्ध है पूरे जगत में, पूरे विश्व में। जितने भी लोग, लगभग 15-20 लाख लोग जो भारत में बाहर से हर साल आते हैं, वो राजगीर या राजगृह या राजग्रह या राजगृह जरूर जाते हैं, क्योंकि वो नालंदा जाते हैं, वो बोधगया जाते हैं, और नालंदा से थोड़ा सा आगे राजगीर पड़ता है। मगर यहां जो हमला हुआ है, वो हुआ है उसी राजगीर पर जो शिक्षा का केंद्र रहा है, क्योंकि वहां भगवान बुद्ध पढ़ाया करते थे और यहां बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जो शिक्षा की सबसे अमूल्य मणि थी, जो रत्न थे, यानी 50,000 किताबें, उनके लिए स्पेशल एक घर बनवाया था, जिसको राजगीर या राजगृह के नाम से या राजग्रह के नाम से जाना जाता है। ये राजग्रह मुंबई में स्थित है। मैं एक बार 2006 में, जब रामदास अठावले जी ने एक 2006 का दिखा का कार्यक्रम किया था, उस समय मैं वहां गया था। मेरे पास कैमरा भी था, बहुत सारे फोटो मैं लाया भी था, मगर वो फोटो हार्ड डिस्क में डैमेज हो गए और खत्म हो गए। एक दो फोटो बामुश्किल उसमें से बचे हैं। उस समय मैं, बाघ मारे जी मेरे दोस्त थे, वो मुझे लेके गए थे, साथ में मेरे करमवीर सिंह, जो हरियाणा में सारा का सारा धम का काम देखते हैं और लगभग 25-30 साल से धम का काम कर रहे हैं, वो साथ थे। वस्तु स्थिति यह थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी मारुति 800 में तेल डाल सकूं, कार तो थी मेरे पास में और जहाज में उड़ सकूं, तो मेरा टिकट भी करमवीर सिंह, जो बौद्ध हैं हरियाणा के, उन्होंने ही लिया था। और पहली बार मैं जहाज में उड़ता हुआ गया और मुंबई के उस जो पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं घोड़ा दौड़ाने का जो मैदान, जिसको रेस कोर्स बोलते हैं, वहां पर एक बहुत भव्य और आलिशान धम्म दीक्षा गोल्डन जुबली का कार्यक्रम माननीय रामदास अठावले जी के नेतृत्व में हुआ था। शानदार कार्यक्रम था, बहुत लोग वहां आए थे। तो ये जो हमला हुआ है, ये उसी राजगृह पे हुआ है जिसपे 50,000 किताबें रखी जाती हैं और जो बाबा साहब का प्रसिद्ध रहा है। ये हमला जिसने भी किया है, जैसे भी किया है, इसकी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, इसकी बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। हर एक आदमी का एंगल अलग अलग होगा। कोई कहेगा नाटक है, कोई कहेगा दुश्मनों ने किया है, कोई कहेगा शराबियों ने किया है, कोई कहेगा कोई वैसे ही करके गया है, और कोई कोई तो ये भी कह सकता है कि शायद अपने आप ही किया है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे एंगल, सब अपने अपने हिसाब से इसकी समीक्षा करेंगे। मगर मेरा जो यहाँ आपको बताने का जो उद्देश्य है, जो आपसे बात करने का है, वो बिल्कुल अलग है। दरअसल आदमी का जब डर निकल जाता है, तब वो किसी महापुरुष के घर पर हमला करता है, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में 100% ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी निंदा होती हो, और 100% कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी प्रशंसा होती हो। यानी कि हर एक व्यक्ति की निंदा भी होती है और प्रशंसा भी होती है। भगवान बुद्ध इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि मैं भी निंदा से और प्रशंसा से अलग नहीं हूं, लोग मेरी भी निंदा करते हैं और मेरी भी प्रशंसा करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर भी निंदा से और प्रशंसा से अलग नहीं है। जहां उनके अरबों प्रशंसक हैं, वहां उनके कुछ लाख ऐसे भी हैं जो निंदा करते हैं और जो उनके दुश्मन समझते हैं, दुश्मन मानते हैं। ये सारी दुनिया में हर मनुष्य के साथ होता है। मगर यहाँ जो राजगीर पर हमला हुआ है, जो राजग्रह पर हमला हुआ है, जो राजगृह पर हमला हुआ है, भगवान जो बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की जो जगह थी राजगृह, उस पर जो हमला हुआ है, ये खास बात है। इसके ऊपर हमला करने वाला मानसिक रूप से बीमार नहीं रहा होगा, क्योंकि उसने सबसे पहले जो तोड़ा है, या जो बताया जा रहा है खबरों में, कि उसने टीवी कैमरे भी तोड़े हैं। टीवी कैमरे तोड़ने वाला आदमी दिमाग से पैदल नहीं है, वो दिमाग से अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये मानते हैं कि जिसने भी हमला किया है, प्लान के हिसाब से किया है। मगर जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है, वो ये है कि बाबा साहब का घर इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी हमला कर सकता है। क्यों हो गया है?
क्योंकि बाबा साहब के परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग बट चुके हैं। अब बाबा साहब का परिवार सिर्फ दिखावे के लिए परिवार है, एक साथ नहीं है। भारत में जितने भी संगठन हैं, 10,000 से ज्यादा संगठन जो बाबा साहब का फोटो लगा के घूमते हैं, वो सब अलग अलग हैं और उन्हीं के परिवार का हिस्सा है। ये परिवार का अलग अलग हिस्सा होने के कारण हमला करने वाले को ये जानकारी है कि जब मैं हमला करूंगा तो इसमें कोई बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो कोई भी आज तक ऐसी मंच नहीं है जहां बाबा साहब के सारे संगठन एक साथ मंच पे आपने कभी देखे हों, और आपने कभी इसकी इच्छा भी नहीं करी है, आपने कभी ये सोचा भी नहीं है, आपके जहन में ये बात आने भी नहीं दी है, आपके मन मस्तिष्क में ये बात नहीं आने देते नेता कि वो एक मंच पर आज तक क्यों नहीं आए। वो हमेशा ये कहते हैं कि ये सामने वाला नेता बेकार है, हम अच्छे हैं, या उनका अनुयायी सिर्फ इतना कहता है जो उनका चमचा होता है, जो बेवकूफ होता है, जो भक्त होता है, कि हमारा नेता अच्छा है। वो अगर कहीं व्हाट्सएप करेगा, कहीं अगर कमेंट डालेगा, कहीं कुछ बात करेगा तो कहेगा मेरा नेता अच्छा, तुम्हारा नेता खराब। इसलिए बाबा साहब का जो राजगृह घर है वो देखने में घर जरूर है, मगर उसकी ईंट ईंट बिखर चुकी है, उसकी दसियों हजार ईंट इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। हमलावर को ये बात पता है कि इस घर का अब सिर्फ नाम है, इसकी बुनियाद खत्म हो चुकी है, इसकी ईंटें बिखर चुकी हैं, इसकी किताबें चारों तरफ सड़ चुकी हैं। वो ये जानता है, इसलिए उसने इतनी जरूरत की, इतनी उसने हिम्मत दिखाई, इतनी हिमाकत दिखाई कि वो बाबा साहब के उस जगह पे जो पूरी दुनिया में जानी जाती है उस पे हमला करने का सोच सका और हमला करने में कामयाब रहा। आप प्रतिकार करोगे, आप इसका विरोध करोगे, मगर कैसे करोगे? आप सब अलग अलग नेता के नेतृत्व में करोगे, अलग अलग परिवार के रूप में करोगे। आप उस हमलावर को ये मैसेज नहीं दे सकते, ना ही सोच सकते कि हम सब एक ईंट हैं और हमारा राजगृह अलग अलग नहीं है, हमारा घर तो एक ही घर है। ये मैसेज आप उसको नहीं दे पा रहे हो। अगर सारे लोग एक मंच पे आ जाएं और सब लोग एक सुर में कहें कि ये राजगृह पे हमला है, ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो आपके विरोध करने का और प्रतिकार करने का फायदा होगा। आपने अगर अलग अलग विरोध किया, अलग अलग नेताओं में किया, अलग अलग डेट पे किया, अलग अलग टाइम पे किया, और सारे अंबेडकर के नाम के नेता इकट्ठा होकर विरोध में नहीं आए, तो हमला रुकेगा नहीं, फिर हमलावर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और ज्यादा तेज हो जाएगा, और ज्यादा पक्का हो जाएगा। इसलिए हमले के जो जिम्मेदार हैं, हमला करने वाले नहीं हैं, हमला करवाने वाले हैं, यानी जिन्होंने अपने ऊपर हमला करवाने का मौका दिया, यानी जिन्होंने ये बताया कि बाबा साहब के सारे बच्चे अलग अलग रहते हैं, जिन्होंने ये बताया कि अब राजगृह राजगृह नहीं है, सिर्फ एक ईंटों का ढेर मात्र है, इसका परिवार बिखरा हुआ है, इसके 10,000 संगठन अलग अलग काम करते हैं, जो विरोध तक करते हैं मगर अलग अलग करते हैं। अगर वो सारे एक साथ एक मंच पर पहले से ही होते, किसी माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि राजगृह की बात छोड़िए एक किसी झोंपड़ी के तिनके को भी नीचे गिरा सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए। आप प्रतिकार करें, आप विरोध करें, आप सड़कों पे आएं, आप पोस्ट लिखें, उससे पहले एक पोस्ट लिखिए कि सभी नेता एक मंच पे आने चाहिए, तो विरोध होगा, और सभी नेता सभी संगठन अगर अलग अलग विरोध करेंगे तो वो बाबा साहब के राजगृह पे दोबारा हमला होगा, फिर वो दोबारा हमलावर के साथ खड़े हुए हैं, फिर हमला रुकेगा नहीं, क्योंकि अब आप इंतजार किसका कर रहे हो? इमारत गिरने का, या पूरी नेस्तबूत होने का, या बिल्कुल खुले होके कोई, क्योंकि अभी तो छुप के हमला हुआ है, फिर सामने से कोई हमला करे, इस बात का इंतजार कर रहे हो? आप क्या एनालिसिस कर रहे हो प्रतिकार करने में, विरोध करने में, कि हम विरोध करें या ना करें? आप विरोध करें और खूब करें, मगर उससे पहले उन नेताओं का विरोध करें जो नेताओं की वजह से ये हमला होने में कामयाब रहा। आगे भी हमले होंगे और पीछे भी बहुत हमले हुए हैं, सिर्फ इन 10,000 बिखरे हुए जो नेता हैं इनके कारण। आप समझिए, आप सोचिए, आप विरोध करने से पहले सबसे पहले अपने नेता का गिलेवान पकड़िए, उसके गरेवान पकड़ के कहिए कि तुम एक मंच पे आके दिखाओ हमें, आपने अभी तक किसी को भी एक मंच पे आते हुए देखा नहीं। बूढ़े हो गए 70 साल में आप, मगर आपका सपना ही रहा कि सारे संगठनों के नेता एक मंच पे आ जाएं। अगर ये एक मंच पे खड़े होके एक दूसरे को गाली भी दें तो भी दुश्मन को ये मैसेज जाता है कि ये बेशक गाली बक रहे हैं एक दूसरे को, मगर ये हैं एक साथ, इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। इकट्ठे आ जाओ, बेशक तुम्हारे दिल ना मिलते हो, एक साथ बैठो तो सामने वाले की
वैसे ही हवा निकल जाती है। देखने में और मंजर में बड़ा दम होता है, जिसके साथ 1 लाख आदमी खड़े होते हैं, जिसके साथ 10,000 नेता खड़े होते हैं, उस व्यक्ति की तरफ हवा भी आंख उठा के नहीं देखती। व्यक्ति की तो बात ही क्या है। राजगृह का सबसे ज्यादा दुख हमारे जैसे लोगों को है, जो ये जानते हैं कि इन नेताओं ने ये हमला कराया है, वरना किसी के माइक लाल में ताकत नहीं कि बाबा साहब की तरफ आंख उठा के भी देखें। ये नेताओं तुम संभल जाओ, तुम हमारे ऊपर हमले पे हमला करा रहे हो, हमारे बच्चों को मरवा रहे हो, तुम अलग अलग काम कर रहे हो, बाबा साहब को धोखा दे रहे हो, तुम बाबा साहब की आइडियोलॉजी को नहीं जानते हो। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि 10,000 संगठन बना के अलग अलग संगठित हो। बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि तुम अपने अनुयायियों को या तुम बाबा साहब के अनुयायियों को अलग अलग संगठन बना के उनको गुलाम बना के रखो और ऐसे ही हमले कराते रहो। सोचो इसको, समझो इसको। Time.